पूर्व विधायक आदरणीय जफर आलम साहब, हमारे पूर्व विधायक छर्रा राकेश ठाकुर राकेश सिंह जी, और यहाँ पर सभी हमारे आए हुए सम्मानित साथियों। दोस्तों, अभी बहुत देर से एक बात चल रही है, कोई मामूली सोच नहीं है, और हमारे छर्रा के विधायक बैठे पूर्व विधायक आदरणीय राकेश जी, उनके क्षेत्र से तो पूरा जिले के अंदर बाकी जनता ने पूरा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, 5 सदस्यों को जिताने का काम किया है छर्रा विधानसभा से। इसी प्रकार से हर विधानसभा के अंदर समाजवादियों को वोट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मेरे दोस्तों, भाजपा के 70% खिलाफ जाने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के साथ 42% वोट आने को है, और 42% अगर आप जाते हैं तो 375 सीटें समाजवादी खाते में आंकलन के आधार पर जाती है दोस्तों। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अनुशासन में रहना होगा, आपको अपने बूथ को देखना होगा, आपको अपने सीनियर की कदर करनी होगी, आपको अपने अंदर मनन करना होगा कि समाजवादी पार्टी आने के बाद हमारे साथ क्या सुलूक होता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या सुलूक होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अनुशासन में रह करके 2022 में समाजवादी पार्टी को लाने का काम करना। इसी के साथ ही मैं अपने अब्दुल हमीद साहब और जिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने स्वर्णिम अवसर में बड़े घनिष्ठ संबंध में हमें आदमरेट देने का काम किया। इसी बात में क्या कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सब लोगों ने बहुत अच्छी बहुत बड़ी बातें कही, उनको उन बातों का मैं सम्मान करता हूँ, उनका विरोध नहीं करता, वो सब मुद्दे हैं। लेकिन आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कुछ तो वह यहाँ हमारे आज धरने का यहाँ पर एक ही मकसद है, जो हमारी बहन प्रियंका यादव जी के साथ हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, जो उनकी साड़ी खींची गई, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है आज। हमने यहाँ बात करी गई आगे इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा, वो कैसे भी लड़ा जाए, और आज यहाँ बात हुई कि डीजल पेट्रोल के दाम क्या हैं, धरने उस पर नहीं हुए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, आज अपने कर्तव्य को समझे, आज अपनी कुर्सी का मान रखे, और जिन लोगों ने प्रियंका यादव बहन प्रियंका यादव के साथ ये करा है, वो चाहे किसी भी विशेष दल के लोग हों, उनको अरेस्ट करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। अगर मुख्यमंत्री अपनी अपने काम को भूल रहा है, अपनी जिम्मेदारी को भूल रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रशासन, जिलाध्यक्ष, जिला कलेक्टर और मेरे ख्याल से पुलिस, हमारी खाकी वर्दी जिस पे हमें भरोसा होता है देख करके, जब वो वहाँ पर ये ज्ञापन, ये 16 सूत्री ज्ञापन है, इसके अंदर हड़पान हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य जीते थे उनको अपहरण कर लिए गए, ज़बरदस्ती करने का पूरा यह है, गरीबी का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इसी चीज़ को लेकर आज का प्रदर्शन है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पत्रकारों के जरिए से कि ये सरकार बेईमान सरकार है और ये गुंडों की सरकार है। आप देख लें इतिहास इस सरकार के नेताओं का, वो पहले गुंडे भी थे, और जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ये रो रहे थे, जब ये गुंडे थे तो पार्लियामेंट के रो रहे थे, तो ऊपर के तो आंसू लोगों को नजर आए, लेकिन नीचे का जो पजामा भीग रहा था लोगों को नजर नहीं आया। ये उनकी सरकार है, ये उनकी सरकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि सरकार का इरादा बहुत गंदा है, 30-40 हज़ार पुलिसकर्मी जो वर्दियाँ सिलवाई जा रही हैं, जिसके अंदर टैग लगा हुआ PAC का और उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो सिर्फ सब गुंडे होंगे RSS के और BJP के। हमें ये पहचान करनी है कि ये असली पुलिस है या नकली पुलिस है। उनकी ये वो प्लानिंग है कि जहाँ समाजवादी पार्टी का वोट पड़ेगा वहाँ पर लाठी चार्ज करके उस वोटर को प्रभावित किया जाएगा। इनके 6 दिन पहले से इनकी ये प्लानिंग है कि वोट डलने से 6 दिन पहले बहुत से वोटर काट दिए जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता तैयार रहें, लाठी में तेल लगाकर जैसी भाषा सरकार बोलेगी उसी भाषा में हम लोग उनको जवाब देंगे। हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर वो 30 हज़ार आए, 40 हज़ार आए, 50 हज़ार आए, जनता बहुत है, जनता उनको मार मार के सही कर देगी। अगर नकली पुलिस पकड़ी गई तो पूरी सरकार पड़ेगी। क्या
यहाँ टिकट का कहाँ, टिकट तो जो होने तो हो चुके हैं, अब तो बच्चों वाली बातें चल रही हैं, जहाँ टिकट का नहीं, टिकट तो हो चुके जिनके होने हैं, जिनके जिनके टिकट होने हैं वो हो चुके, और जो बस खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहेंगे उसको देंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यकर्ता का जोश है, जोश है, कार्यकर्ता चाहता है कि हम टकराव करके भी, क्योंकि कार्यकर्ता ने अपना खून बहाकर पसीना बहाकर समाजवादी को वोट दिलाया, लेकिन इस भाजपा सरकार ने ज़बरदस्ती उस वोट को अपने पाले में करवा दिया, ज़बरदस्ती, चाहे गुंडागर्दी करके या उनके मकानों को सील करके या उनको डरा धमका कर उनको अपने सूरत में करके ताकत पे काम कर रहे हैं। आज देश में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, आज देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, आज जिस तरह से देश में आज बेईमानी का माहौल है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग है सर, आज वर्दी पहन करके हमारा पुलिस प्रशासन सरकार के गलत कामों को अंजाम देने पर लगा है, सबने देख लिया है। जिला जनता ने अलीगढ़ की लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जिला पंचायत का अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी का बेईमान लोगों ने पैसे के दम पर बना लिया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ साथियों, आने वाले 6 महीने में जिस दिन अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, सारे सबसे हिसाब लिया जाएगा, सफाई से लेकर अधिकारी तक कोई भी छोड़ा जाएगा, सबको ब्याज समेत वापस जो समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। जय हिंद, जय समाज, जय भारत, जय अखिलेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद, समय का ख्याल रखा इसके लिए धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र यादव जी यहाँ पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्य में हाँ इनको बुलवा देता हूँ तीनों लोगों को। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय विनोद सविता जी से कि वो अपनी बात रखे, समय का ख्याल रखते हुए। बहुत भीषण गर्मी है, समाजवादी आंदोलन यहाँ चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है, समय का ख्याल रखें और कार्यकर्ता को भी ख्याल रखें, समय का भी ध्यान रखें। इस शानदार नेतृत्व अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरीश यादव जी, पार्टी का संचालन कर रहे महानगर अध्यक्ष भाई अब्दुल हमीद भोसी साहब, इस शहर के बहुत ही शानदार, बहुत ही शरीफ अलीगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय जफर आलम साहब, छर्रा के पूर्व विधायक छोटे भाई श्री ठाकुर राकेश सिंह जी, हमारे कोर के पूर्व विधायक भाई हाजी जमीउल्लाह साहब, श्री अशोक यादव जी, और यहाँ मौजूद पार्टी के तमाम सम्मानित हमारे नेतागण। साथियों, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, और किसी भी वर्ग ने, चाहे वो नौजवान ने, चाहे बेरोजगारों ने या किसानों ने, उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है, अपराधी अपराध छोड़ करके उत्तर प्रदेश भाग। यहाँ पधारे हुए हमारे बहुत ही परम आदरणीय अपना सदर के पूर्व विधायक सबके सरपंच जफर आलम साहब, हमारे पूर्व विधायक कोल से रहे हाजी जमुल्ला साहब, हमारे छर्रा से पूर्व विधायक रहे ठाकुर राकेश सिंह जी, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकारियों के नगर के अध्यक्ष, खंडलों के अध्यक्ष, जिले के नगर के फ्रंटलों के सभी अध्यक्ष, सभी साथी जो दूर दराज से आए हैं, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, उसी के तहत देखिए जिला पंचायत के चुनावों में, क्षेत्र पंचायत के चुनावों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनियमितताएं बरती, माँ और बहनों की इज्जत तातर की, उन सब के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। जो किसानों को MSP नहीं मिल रही, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। इस पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। 16 सूत्री मांगे जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम दिए जाने का कार्यक्रम है, इसी के तहत आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, समाजवाद।
खेल कैसे जाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडई हो रही है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन है। जहां तक बात जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, उसमें खुले गुंडई हुई, महिलाओं की इज्जत तार तार की गई, उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। किसानों की जो मांगे नहीं मानी जा रही उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। उसके बाद जो अपना दलितों पर अत्याचार हो उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। और जो महंगाई है जिसमें पेट्रोल डीजल गैस किसानों की दवाएं खेतियों की ये अपना कच्चा और जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में सारी महंगाई के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। इसी के तहत हमारे नेता हमारे विधायक अलीगढ़ में सभी पांचों तहसीलों पर लगातार धरना प्रदर्शन में है। अभी उसी के बाद 16 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन जिला अधिकारी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया जाएगा। धन्यवाद। देखिए प्रशासन ने पांडाल को हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं हटा पाए। ये सब जगह ये प्रयास कर रहे हैं। ये इस पर प्रशासन का इस पर सत्ता के लोगों भाजपा के लोगों का दबाव है। प्रशासन को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है कि समाजवादी के लोगों को कोई कार्यक्रम ना करने दें। इसी के तहत उन्होंने कहा और देखिए एक पंडाल उन्होंने उखाड़ा भी था लेकिन बाद में सब हम लोग आए बातचीत की और फिर उन्होंने उसको नहीं उखाड़ा। धन्यवाद। देखिए निश्चित रूप से त्रिस्तरीय चुनाव में इन्होंने जो धनबल सत्ताबल बाहुबल का प्रयोग किया है ये आने वाले समय में भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है कि हम इनकी रणनीति से कैसे निपटा जाएगा। उसी के तहत लगातार हमारी लखनऊ में मीटिंगें चल रही हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्देश मिलेगा उस पर हम सब लोग काम समाजवादी पार्टी द्वारा एक ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।